आज का दिन मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आज एक बहन देख रही है कि उनका भाई देश की सेवा में इतने ऊंचे पद पर जाकर देश को संभालेगा, तो मेरे लिए तो बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। और मुझे तो जब जब ध्यान आता है मुझे रात को नींद ही नहीं आती है खुशी के मारे, मतलब हमारे लिए खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो उम्मीद ये करती हूँ कि भाई मेरा इतने ऊंचे पोस्ट पर पहुंचा है तो वहां पहुंचकर वो देश की सेवा इतनी अधिक करे कि इतिहास बना दे, हिस्ट्री बना दे। वो इतने बड़े पद पर भी हैं, फिर भी आपने जैसे बताया कि वो यहाँ मिलने आते किस तरह से आते जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, किस तरह से आते थे? अच्छा, तो वो जब भी आते थे यहाँ पर तो वो एक परिवार के सदस्य की तरह आते थे। कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई मेरा जो है इतने बड़े पोस्ट पर है, या उन्हें किसी भी तरह का इस तरह का कभी कोई घमंड हुआ हो या कुछ है। बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। और जब बहन आती है तो कभी बहन को ये महसूस नहीं होने दिया कि बहन हाँ शादी के बाद आ रही है, खुद ही पानी देते थे। और मैंने तो कई बार देखा है ताई जी के साथ भी, वो बहुत साथ किचन में खड़े होकर उनके काफ़ी घंटों तक उनके साथ किचन में भी हेल्प करते थे। तो जिस इंसान ने इतना बड़ा पद संभाला हो और वो जाकर अपनी माँ के साथ भी अगर किचन में खड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि उनसे अच्छा बेटा इस देश को नहीं मिल सकता। दिन बहुत खुशी का है, मामा अभी चीफ एयर चीफ बने हैं, पूरे देश को खुशी हो रही है और घर में तो सभी खुश हैं हमारे। और गुजारिश बस यही है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था, वो हम दोबारा वापस ले लें।